हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, मायसेल्फ प्रियेश पटेल, आप सबका स्वागत है हमारी और आपकी इस यूट्यूब चैनल प्रियेश विद्यापीठ पे। फ्रेंड्स, कल जो CBSE ने न्यूज़ दी थी कि 10th की एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है और 12th की एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दी है, आज गुजरात बोर्ड ने भी बता दिया है कि 10th और 12th की एग्ज़ाम पोस्टपोन हुई है। गुजरात बोर्ड ने 10th की एग्ज़ाम को कैंसिल नहीं किया है, उन्होंने ऐसा बोला है 10th और 12th की एग्ज़ाम जो शुरू होने वाली थी 10 मई से, वो अब पोस्टपोन होगी। कितने दिन तक पोस्टपोन होगी उसकी कोई बात यहाँ पे नहीं किए, लेकिन एक महीना तो शायद वो अभी पोस्टपोन होने ही वाली है। तो दोस्तों, अगर 12th की एग्ज़ाम यहाँ पे पोस्टपोन होती है तो गुडसेट की एग्ज़ाम भी थोड़ी बहुत पोस्टपोन होगी, और जो नीट की एग्ज़ाम है वो भी शायद प्लस या माइनस आगे या पीछे हो सकती है अकॉर्डिंगली द बोर्ड एग्जामिनेशन। यहाँ पे बोर्ड ने एक और बात बताई है कि स्टैंडर्ड 1 to 9 और 11th वाले जितने भी गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट हैं सबको मास प्रमोशन दे दिया है, मतलब वो आगे के स्टैंडर्ड में जा चुके हैं। मतलब 11th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो अपने 12th की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं, और 9th वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनकी 10th की प्रिपरेशन आज से ही शुरू कर सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों, हमारे पास टाइम है, तो 12th वाले स्टूडेंट और 10th वाले स्टूडेंट, अभी भी आपका कुछ भी प्रिपेयर करना बाकी है तो आप अच्छे से उसको प्रिपेयर कर सकते हो। बने रहे हमारी चैनल के ऊपर, इस वीडियो को आपके जितने भी फ्रेंड सर्कल है सब में शेयर करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन प्रेस करें, सो कोई भी न्यूज़ अगर आती है तो सबसे पहले हम आपके तक वहां पे पहुंचाएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, थैंक यू।